फ्रेंड्स, मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 3 के चैप्टर नंबर जो सेकंड है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसके पार्ट 1 का अध्ययन किया था। उससे संबंधित प्रश्न उत्तर हल किए थे और अब हम इसी के अंतर्गत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। एक शब्द में उत्तर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। अल्कोहल एक किण्वन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए, अथवा एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस यीस्ट का प्रयोग किया जाता। आंसर, यीस्ट का नाम है सैकरोमाइसिस सेरेविसी। ये जो है, ये व्यापारिक रूप से एथेनॉल उत्पादन के लिए यूज होता है। दूसरा है, तोड़ी किससे प्राप्त किया जाता है। आंसर, ताड़ी पेड़ के तने से जो स्राव निकलता है उससे तोड़ी प्राप्त किया जाता है, जो कि पेय पदार्थ है। तीसरा, एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम बताइए। इसका नाम है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बैसिलस थुरेंजियंसिस। ये जो नाम है, ये एक जैव कीटनाशक बायोपेस्टिसाइड का नाम है। चौथा, किस फसल के लिए साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। आंसर, धान। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। बायोगैस के निर्माण में भाग लेने वाले जीवाणु समूह का नाम लिखिए। सारे पूरे मेथेनोजेंस ग्रुप जितना है, तो मेथेनोजेंस जीवाणु समूह जो है वो बायोगैस के निर्माण में उत्तरदायी है। चलिए अब शुरू करते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर। पहला है, सूक्ष्म जीव को परिभाषित कीजिए। आंसर, ऐसे जीव जो केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखे जा सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। दूसरा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का क्या काम है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कार्य, पहला, दूध के दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचाकर सुपाच्य दही का निर्माण करने में, दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाने में, तीसरा, हमारे शरीर में संबंध बनाकर हमें कई रोगाणुओं के संक्रमण से बचाते हैं, और वर्क एज प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक का कार्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, ताड़ी क्या है? ताड़ी या तोड़ी एक अल्कोहलिक पेय पदार्थ है जो पाम ट्री या पामिरा के रस या सैप के किण्वन से बनाया जाता है। यह ताड़ के पेड़ के फूल के कट या टैपिंग से प्राप्त किया जाता है। स्विस पनीर को उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाम बताइए। स्विस पनीर उत्पन्न करने वाले जीवाणु है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई तथा लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस। अब स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र कैसे हो जाते हैं? तो स्विस पनीर में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई नामक जो जीवाणु है उससे बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न होने के कारण बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते बच्चों, प्रतिजैविक पदार्थ क्या है? प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण किससे होता है? कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है तथा ये अन्य सूक्ष्म जीव रोगाणुओं की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार देते हैं। ये एंटीबायोटिक बनते तो सूक्ष्म जीवाणुओं से ही हैं और सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को मंद अथवा उनको मारने का काम करते हैं। क्वेश्चन 6A, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की कौन सी प्रजाति राकफोर्ड पनीर बनाती है? राकफोर्ड पनीर उत्पन्न करने वाली पेनिसिलिन की प्रजाति है पेनिसिलियम राकफोर्टी। किन्हीं दो कवक प्रजातियों के नाम लिखो जिनका उपयोग एंटीबायोटिक के उत्पादन में किया जाता है। तो पहला है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे बनता साइक्लोस्पोरिन ए। दूसरा है पेनिसिलियम ग्राइसोफल्विन, जिससे बनता है ग्राइसोफल्विन। ये आपको अच्छे से याद करना है। आठवां देखो, वाहित मल की प्राथमिक उपचार प्रावस्था के दौरान निहित विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। जब सीवर वाटर ट्रीटमेंट का जो प्राइमरी स्टेप रहता है उसमें क्या करते हैं? तो उसमें बिल्कुल दो स्टेप हमको याद रखना है। पहला है निस्यंदन, दूसरा अवसादन। पहला निस्यंदन या फिल्ट्रेशन, अर्थात जो वाहित जल में जो उपस्थित कूड़ा करकट है उसको अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग कर लिया जाता है। इसी के दौरान इसमें जो वसा के कण अथवा तैली पदार्थ जो तैरते रहते हैं उनको भी अलग कर लिया जाता है। दूसरा, अवसादन या सेडिमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि वाहित जल में जो उपस्थित ग्रिट है, मृदा की छोटी छोटी गुटिकाएं या पेबल्स हैं,
उनको सेडिमेंटेशन द्वारा निष्काशित कर दिया जाता है। प्राथमिक उपचार मुख्य रूप से एक भौतिक प्रक्रिया है, एक फिजिकल प्रोसेस है। बैकुलोवायरस के जीनस का नाम बताइए। इन्हें उत्तम जैव नियंत्रक कारक क्यों माना जाता है? बैकुलोवायरस जो है वो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस जीनस के अंतर्गत आते हैं। ये उत्तम जैव नियंत्रक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यह विषाणु विशिष्ट प्रजाति सक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचार के लिए उपयुक्त होते हैं। इसका अन्य पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों अथवा लक्ष्यविहीन कीटों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक प्रजाति विशेष पर अटैक करते हैं, बाकी पर अपना बुरा असर नहीं डालते। प्रश्न क्रमांक 10वां देखो, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले प्रमुख अंतर कौन से हैं? जब हम वाहित मल का जो उपचार करते हैं तो उसमें पहला स्टेप होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। तो प्राथमिक मल और द्वितीयक उसमें क्या अंतर है? प्राथमिक उपचार के अंतर्गत वाहित मल से भौतिक विधि द्वारा छोटे बड़े कणों को अलग कर देते हैं, पहला स्टेप। जबकि द्वितीयक उपचार में जो निस्यंदन टैंक में जो बहिस्त्राव आया है उसमें जैविक क्रियाओं द्वारा वायवीय अपघटन कराया जाता है। दूसरा, इसमें निस्यंदन तथा अवसादन प्रक्रियाएं आती हैं। किसमें आती है? प्राथमिक। जबकि द्वितीयक उपचार के दौरान बहिस्त्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विघटन का कार्य कौन करता है? सूक्ष्म जीव करते हैं, जिससे बीओडी लगातार कम होता जाता है। प्रश्न 11A, बायोगैस के कोई दो लाभ लिखिए। पहला क्या है? बायोगैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जिसके प्रयोग से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, ये सबको मालूम। दूसरा, किससे बनता है? ये मलमूत्र तथा गोबर से तैयार होता है जिससे हम अपशिष्ट निपटान कर सकते हैं। तीसरा, यह ऊर्जा का कैसा स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत है जो कि परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम करता है और ज्यादा अच्छा होता है। अब आता है जैव नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। जैव नियंत्रण, जीवों का जीवों पर नियंत्रण, जैव नियंत्रण। सिंपल तरीका, जब किसी जीव का प्रयोग कर कीटों, पीड़कों, खरपतवार तथा हानिकारक रोगाणुओं की आबादी को नियंत्रित किया जाता है तो उसे जैव नियंत्रण कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब देखो, समन्वित पीड़क प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। समन्वित पीड़क प्रबंधन पीड़कों, कीटों अथवा रोगाणुओं को नियंत्रित, उन्मूलित यानी हटाने का एक समग्र उपाय है जिसमें जैव नियंत्रण के साथ साथ पीड़कों के आहार, जीवन चक्र तथा आवास को बाधित कर देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर रासायनिकों का भी सीमित स्तर तक प्रयोग करते हैं। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि प्रबंधन सस्ता, टिकाऊ तथा पर्यावरण मित्र हो। अर्थात मतलब एक ही तरीका नहीं होता है उस चीज को प्रबंधित करने का, बहुत सारे तरीके अप्लाई किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ प्रकार के अल्कोहलिक पेयों के निर्माण में आसवन क्यों किया जाता है? क्यों करते हैं हम डिस्टिलेशन या आसवन? पहला तो शुद्धिकरण करने के उद्देश्य से, और दूसरा सांद्रण के उद्देश्य से, मतलब पानी की मात्रा कम करते जाते हैं जिससे विस्की, वाइन, वोदका, ब्रांडी का उत्पादन कर सके। तो बच्चों, ये थे आपके अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम लघुत्तरी प्रश्न उत्तर